हेलो स्टूडेंट। सो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा? कंटिन्यूटी इक्वेशन का पढ़ा और उसका जो डेरिवेशन है, जो एक जनरलाइज इक्वेशन है, उसको हमने देखा। इसी कंटिन्यूटी इक्वेशन के जो हमने डेरिवेशन किया है, उसके बेसिस पे एक और कंसेप्ट आता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं साथ में। तो देखिए, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो बेसिकली क्या बताता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बताता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि न मास को आइदर ना तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो उसी को जब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है। तो हमने एक कंडीशन भी ये देखा हुआ था कि जैसे सपोज करिए कि अगर यहाँ पे एक रीजन था और इस पर्टिकुलर रीजन में जितना मास इंटर हो रहा था उतना ही मास लीव हो रहा था, अगर इस रीजन के अंदर में और या इस पर्टिकुलर रीजन अगर स्टडी स्टेट कंडीशन में था। ये हमने देखा था पिछले क्लास में कि जब यहाँ पे इस पर्टिकुलर, अल्टीमेटली हमने पहले क्या देखा था कि जितना मास इंटर हो रहा था और कुछ मास बाहर निकल रहा था। तो हो सकता है कि जितना मास इंटर जा रहा हो और पूरी तरीके से वो बाहर ना निकल रहा हो, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्युमुलेशन हो रहा है। बट एक्युमुलेशन होगा मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। बट अगर हम ये कंडीशन कंसिडर कर लें कि ये पर्टिकुलर जो रीजन है वो स्टडी स्टेट कंडीशन में है, मतलब टाइम के साथ उसकी कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज होने ही वाला नहीं है, तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो यानी कि जितना मास इंटर करेगा उतना मास क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर हम ये लिखें कि मास एक एंट्री इक्वल टू मास एट एग्जिट, तो अगर हम मास को, अगर हम ये मास फ्लो रेट है एक्चुअली, क्लियर है, मास फ्लो रेट है। तो अगर इस मास फ्लो रेट को अगर हम रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी के फॉर्म में लिखें, एक्चुअली ये जो मास है, मास इक्वल टू क्या होता है? मास फ्लो रेट है, मतलब रो इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट एक्चुअली क्या हो जाएगा कि सपोज करो कि अगर ये एक एरिया है और इस पर्टिकुलर एरिया से, इस एरिया से कितना वॉल्यूम फ्लो रेट होगा वो क्या हो जाएगा? इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी है और प्लस जिस वेलोसिटी से यहाँ से जो जो हमारा जो फ्लूड है वो इंटर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। तो आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्चुअली वेलोसिटी बता रहा है, क्लियर है, और ये वॉल्यूम नहीं है। तो हमारा मास फ्लो रेट को अगर हम रो के टर्म्स में लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा? रो एट एंट्री इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया एट द एंट्री मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी एट द एंट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? देन सेम चीज रो एरिया इंटू वेलोसिटी जो भी एग्जिट के ऊपर में है, क्लियर है। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे, ये वैलिड रहेगा हमारा बोथ कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूड के लिए। बट अगर इसी इक्वेशन को में अगर हम लोग ये अजम्पशंस ले लेते हैं कि हमारा जो फ्लू है वो इनकम्प्रेसिबल है, जो फ्लूड जो फ्लो हो रहा है वो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब इस केस में जितना एंट्री यहाँ पे रो होगा उतना ही एग्जिट होगा, मतलब यहाँ पे रो हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा कि एरिया इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लाई एट द एंट्री इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लाई एट द एग्जिट। तो अगर मतलब इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि एरिया इंटू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है एक्चुअली, एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो एक कांस्टेंट पैरामीटर होगा, और ये जो कांस्टेंट पैरामीटर होता है इसी को बोला जाता है क्या? डिस्चार्ज। तो मतलब डिस्चार्ज क्या हुआ? जो डिस्चार्ज होता है एक्चुअली वो मेजर करता है कि वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी वॉल्यूम फ्लो रेट को ही हम लोग एक अलग टर्म्स में बोल सकते हैं, क्या? डिस्चार्ज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट हमारा क्या हो जाएगा? एरिया मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप लिख लो कि यहाँ पे एरिया जो है वो क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो हो रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ पे जो ये जो वी है ये हमारा क्या है? वेलोसिटी को बता रहा है, जिस स्पीड से हमारा जो फ्लूड है वो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी को बता रहा है। और रो तो आपको पता ही है क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन का एक डिस्चार्ज के फॉर्म में भी ये इक्वेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कभी भी अगर मान लीजिए कि अगर हमें ये दिया होगा कि फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, तो हमारा क्या हो जाएगा कि अगर सपोज करिए यहाँ पे एक पाइप है,
एक पाइप है, यहाँ से एंट्री हो रहा है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है। मान लेते हैं ये पॉइंट वन है और ये पॉइंट टू है, क्लियर है। तो फ्रॉम द मास कंजर्वेशन, और ये बोल रहा है कि फ्लो, तो ये फ्लो जो है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ एरिया है, मतलब यहाँ का जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एग्जिट के ऊपर वॉल्यूम फ्लो रेट के बराबर हो जाएगा। या मान लीजिए बीच में कहीं एक पॉइंट और थ्री ले लेते हैं, तो वहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ का एरिया मल्टीप्लाई बाई वही वॉल्यूम इनटू हमारा सॉरी एरिया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है उसका जो प्रोडक्ट होगा, ये तीनों क्या हो जाएगा हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। कभी कभी आप ये देखेंगे कि मान लीजिए कि ये हमारा वायरिंग सेक्शन है, तो ये हमारा वायरिंग सेक्शन है, तो अभी हमें क्या देखा फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन की एरिया इनटू जो हमारा जो वेलोसिटी है वो हमारा क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। तो अगर हम इसको चाहें तो वो वेलोसिटी को इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट या प्रोपोर्शनल अपॉन एरिया वन बाई सॉरी यहाँ पे एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वेलोसिटी, या ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इससे आपको क्या कंक्लूजन करने को मिल रहा है, अगर यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए इस ये वायरिंग जो एरिया है यहाँ से अगर हमारा फ्लो होगा, तो आप देखे होंगे कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा, तो एरिया जहाँ पे ज़्यादा होगा तो एरिया ज़्यादा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वहाँ पे आपको वेलोसिटी कम मिलेगा। और जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होते जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे हमारा वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। इसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे पाइप होता है, तो पाइप के आप देख रहे होंगे कहीं पे अगर हमें लॉन में कहीं पे स्प्रिंकलर करना रहता है, तो अगर हम पाइप के आगे वाले पोर्शन को अगर हम प्रेस कर देते हैं तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है। तो आप वहाँ पर देखेंगे कि जो पानी जो होता है वो ज़्यादा एरिया तक चले जाता है, मतलब उसकी कहीं ना कहीं स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से हम ये भी एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होता है, तो जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होते जाता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। और इसका उल्टा भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा जो एरिया है वो इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे हमारा वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होते जाएगा, क्लियर है। तो यहां से कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम ये भी एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मतलब कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो होता है फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन कांस्टेंट होता है, और उस वॉल्यूम फ्लो रेट को ही डिस्चार्ज कहते हैं। और डिस्चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, तो देखिए एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा, ये डिस्चार्ज का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे डिसकंटिन्यूटी इक्वेशन के ऊपर, तो एक बार और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या होता है कि देखिए ये जो टर्म्स हैं वो एज सच हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जब हम लोग नेक्स्ट एक टर्म आने वाला है इक्विपोटेंशियल लाइन, तो वहाँ पे ये कहीं ना कहीं ये फाई और ये जो साई है दोनों को यूज होने वाला है, तो इसलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज सफिशियंट फॉर इन दोनों फंक्शन के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक देखते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल, जो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है इसको फाई से डिनोट करते हैं, ये जो नोटेशन है ये फाई है, और एक है स्ट्रीम फंक्शन जिसको कि हम लोग साई से डिनोट करते हैं। ये जो दोनों जो नोटेशन है एक्चुअली ये ग्रीक का है, ठीक है, तो ग्रीक का है। तो जो वेलोसिटी पोटेंशियल है वो फाई से डिनोट किया जा रहा है और स्ट्रीम फंक्शन को हम लोग साई से डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए ये जो वेलोसिटी पोटेंशियल है ये एक्चुअली क्या बताता है, तो ये जो एक्चुअली जो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है ये फंक्शन होता है हमारा स्पेस का और टाइम का। किसका किसका फंक्शन होता है, स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है। और अगर हम ये कंसिडर करें कि अगर हमारा जो फ्लो है वो क्या होने वाला है, स्टडी स्टेट पे है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी पोटेंशियल है वो फंक्शन हो जाएगा केवल स्पेस का, क्योंकि टाइम का तो फंक्शन होगा नहीं। तो अब अगर ये स्पेस का केवल फंक्शन हो जाएगा, तो अब इसका जो डिफरेंस इसका डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो ये क्या बताता है कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर फंक्शन होता है, स्केलर फंक्शन होता है किसका, स्पेस का और टाइम का। तो इट इज डिफाइन एज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। कौन, वेलोसिटी पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ स्पेस, स्पेस मतलब एक्स वाई जेड का, और टाइम का फंक्शन होता है, सच दैट
इट्स निगेटिव डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव द फ्लूड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करिए यहाँ पे हम इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं और यहाँ पे हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें स्केलर फंक्शन फाई की वैल्यू दिया हुआ है, क्लियर है। तो अगर इस फाई को अगर हम मान लीजिए कि एक्स डायरेक्शन में अगर हमें वेलोसिटी निकालना है, तो इस फाई को अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वो हमें उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी को बताएगा विथ निगेटिव साइन। यानी यहाँ पे देखिए कि अगर मैंने अगर यहाँ पे फाई दिया हुआ है, जो कि फाई क्या है, हमारा फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो अगर मान लीजिए कि हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाई दिया हुआ है और हमें एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना है, यानी किसी फ्लो जो फ्लो हो रहा है उसको वो फ्लो फील्ड का वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर्म में हमें कुछ डेटा यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया हुआ है, तो अगर हमें उसका वेलोसिटी निकालना होगा तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उस स्केलर फंक्शन को हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमें निगेटिव टर्म्स में वेलोसिटी दे देगा। वैसे ही अगर मान लीजिए कि वाई डायरेक्शन में अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा तो इस स्केलर फंक्शन को वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे और तो वो हमें y डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देगा विथ निगेटिव साइन, क्लियर है। और अगर हमें z डायरेक्शन में निकालना होगा तो देन सेम z के रिस्पेक्ट में आप इस स्केलर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो वो हमें निगेटिव टर्म्स में हमारा को उस पर्टिकुलर z डायरेक्शन में वेलोसिटी को दे देगा। तो आपको नोट डाउन क्या करना है, इसके डेफिनेशन को नोट डाउन करना है और साथ में ये याद रखना है कि जो -d5/dx एक्स डायरेक्शन में यू वेलोसिटी को बता रहा है, माइनस डी फाई बाई डी वाई जो होता है विथ निगेटिव साइन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट को बता रहा है, एंड निगेटिव ऑफ माइनस डी फाई बाई डी जेड विथ निगेटिव साइन जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट को बता रहा है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये रहा वेलोसिटी फंक्शन के बारे में, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं स्ट्रीम फंक्शन के ऊपर। तो स्ट्रीम फंक्शन क्या को हम लोग साई से डिनोट करते हैं। देखो इसको बोला जाता है फाई, इसको बोला जाता है क्या, फाई PHI, इसको बोला जाता है फाई और इसको बोला जाता है साई, जहाँ पे पी जो है साइलेंट होता है तो इसको साई बोला जाता है। तो अब साई क्या होता है, तो जिस तरीके से जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन वेलोसिटी पोटेंशियल था वो भी एक क्या था, स्केलर फंक्शन था स्पेस और टाइम का, वैसे ही जो स्ट्रीम फंक्शन होता है वो भी एक स्केलर फंक्शन होता है स्पेस और टाइम का। अब इसमें हमें क्या मिलेगा कि अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करें किसी भी डायरेक्शन में, मान लेते हैं कि अगर यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कि अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर पोर्शन में साई दिया हुआ है एक्स वाई मतलब कि 2D डायमेंशन का अभी मान लीजिए हम लोग देखते हैं, तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे साई दिया हुआ है तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा कि इसके 90, अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेगा तो इसके 90 डिग्री पे हमें क्या मिलेगा, मतलब उसके जिस डायरेक्शन में डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके जस्ट 90 डिग्री पे क्या वेलोसिटी होने वाला है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो हमें मिलेगा। मतलब x यहाँ पे आप x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो x के डायरेक्शन में ही हमें वेलोसिटी कंपोनेंट मिल रहा था विथ नेगेटिव साइन, लेकिन साई के साथ क्या होगा कि अगर x डायरेक्शन में अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डायरेक्शन के वेलोसिटी को बताएगा या z डायरेक्शन के वेलोसिटी को बताएगा। अगर हम 2D का बात करें, x और y लें, तो x और y लेंगे तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसके 90 डिग्री मतलब y डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी को देगा, और अगर y के डायरेक्शन में अगर हम उस साई फंक्शन को मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, मतलब x डायरेक्शन में वो वेलोसिटी को हमें बताएगा, क्लियर है। वैसे ही मान लीजिए कि y और z लेंगे तो उसके साथ क्या हो जाएगा कि अगर z के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी को बताएगा, z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y के डायरेक्शन में बताएगा, क्लियर है। तो देखिए ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, इवन बीटेक में भी इसको बस इतना ही सफिशियंट रहता है, क्लियर है कि वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है, फाई से डिनोट करते हैं, डेफिनेशन और ये वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस आप चाहो तो बस इसको भी बस याद रख लोगे तो वो भी सफिशियंट है, और इस केस में आप इसको याद रख लो ये सफिशियंट है,
क्लियर है। तो स्ट्रीम फंक्शन जिसको कि साई से डिनोट करते हैं वो क्या बताता है कि अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेशन करें विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन मान लीजिए एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में अगर हम करेंगे, इट गिव द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल टू दिस डायरेक्शन। यानी कि एनी डायरेक्शन मतलब मान लीजिए एक्स में करेंगे और एक्स और वाई अगर टू डी लिए हैं तो उसके 90 डिग्री राइट एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी दे जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके 90 डिग्री में इस डायरेक्शन में। निगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि मान लीजिए कि हमने साइन ऐसा लिया हुआ है कि हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो कभी भी काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो पॉजिटिव आता है, लेकिन वेलोसिटी हमने डिफरेंशिएट इधर किया बट हमको मूव किधर दे रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मान लीजिए दे देगा तो निगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज, या अगर हम सेम डायरेक्शन में मूव करें इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हमारा यू का वेलोसिटी क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे निगेटिव टर्म्स आया है। क्लियर है। यानी वाई डायरेक्शन में अगर हम इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पॉजिटिव, लेकिन अब ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो मूवमेंट तो पॉजिटिव हुआ लेकिन हमारा वेलोसिटी किस में मिला, मतलब नेगेटिव कोऑर्डिनेट की तरफ मिला, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या है, यू की वैल्यू नेगेटिव हमने नोट डाउन किया हुआ है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वेलोसिटी फंक्शन फाई के बारे में क्या याद रखना है आपको, कि ये फॉर्मूला और साई के बारे में ये फॉर्मूला याद रखना है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को फाइ से डिनोट करते हैं, और अगर उसको जिस भी डायरेक्शन में आप डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स में, वाई में, जेड में, तो अगर एक्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव टर्म्स में आपको उस डायरेक्शन का वेलोसिटी दे देगा, वाई में करेंगे तो वाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट दे देगा। और स्ट्रीम फंक्शन के केस में क्या है कि आप जिस डायरेक्शन में आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे उसके जस्ट 90 डिग्री में वेलोसिटी क्या होने वाला है, वो हमें दे देगा। क्लियर है। तो इतना हमारा ये कंटिन्यूटी इक्वेशन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इक्विपोटेंशियल लाइन का जो एक कंसेप्ट है और फ्लो नेट वाला जो कंसेप्ट है उसको अब हम लोग देखेंगे। सो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और साथ में हमने एक स्ट्रीम फंक्शन के बारे में मतलब फाई और साई के बारे में देखा, उसका एक्चुअली यहाँ पे यूज होने वाला है इसलिए उसको हमने देखा, डिस्कशन किया। अब हम लोग जो मेन जो एक हमारा जो सिलेबस में जो मेंशन टॉपिक है इक्विपोटेंशियल लाइन, उसको देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है। देखिए, तो अ लाइन अलॉन्ग विच द वेलोसिटी पोटेंशियल, जिसको कि हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, पिछले लेक्चर में हमने एक फाई वाला देखा, तो अ लाइन अलॉन्ग विच वेलोसिटी पोटेंशियल फाई इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल लाइन। मतलब कि वो पर्टिकुलर लाइन जिसके अलॉन्ग हमारा जो फाई, जिसको कि हम लोग वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन बोल रहे हैं, अगर वो कॉन्स्टेंट होता है तो उस पर्टिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन। इसका मतलब क्या हुआ मैथमेटिकल टर्म्स में, देखिए जितना यहाँ पे बताया जा रहा है इक्विपोटेंशियल लाइन, स्ट्रीम फंक्शन, एक आगे आने वाला जो टॉपिक है फ्लो नेट, उसमें अगर आप इतना ही सफिशियंट है, इतना अगर आप नोट डाउन कर लेंगे और इसको जाके एज इट इज आप एग्ज़ाम में लिख लेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। प्लस इन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें केवल और केवल आपको डेफिनेशन बस पता होना चाहिए, उसके अलावा और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी इसका रियल सिग्निफिकेंस जब आप लोग पीएचडी लेवल पे जाते हैं तो जब वहाँ पे एक सीएफडी होता है, क्लियर है, तो वहाँ पे एक मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है सीएफडी, उसमें इसका ज़्यादा यूज होता है। एज अ इंजीनियरिंग या फिर नॉर्मल अगर देखा जाए तो नॉर्मल इंजीनियर के लिए इसका ज़्यादा यूज आता नहीं है, तो इसीलिए जस्ट हम लोग के सिलेबस में या फिर जो हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें हम लोग बस इक्वेशन देखते हैं, इसका क्या आता है, डेफिनेशन देखते हैं, इतना ही सफिशियंट हमारे लिए काम रहता है अभी के लिए। तो इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में हमने क्या देखा कि वो पर्टिकुलर लाइन जिसके अलोंग जो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो है कांस्टेंट होता है, तो वैसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन। तो अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो फाई इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो अगर हम फाई कांस्टेंट है तो इसका एक डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी जीरो के बराबर हो जाएगी। तो अब हमें ये डिराइव करना है कि ये इक्विपोटेंशियल लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन हमें पता है क्या होता है, और एक और क्लू हमें क्या दे दिया कि जो डी फाई है वो जीरो होने वाला है। तो अगर मैं ये बोलूं कि फॉर टू डायमेंशनल स्टडी फ्लो,
तो हमारा क्या होता था, फाई इज फाई फंक्शन होता था किसका, स्पेस का और टाइम का। तो टू डायरेक्शनल के लिए हमारा फंक्शन किसका किसका हो जाएगा, एक्स और वाई का, और क्योंकि स्टडी फ्लो है तो टाइम का फंक्शन होगा नहीं, तो फाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर मैं डी फाई को लिखने की कोशिश करूँ, जब आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो अगर अगर कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो किसी का फंक्शन है, तो डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में डी फाई को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, करली डी फाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली डी फाई अपॉन डी वाई इंटू डी वाई। जिसके रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं उसी का डी वाई से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा डी फाई के फॉर्म में ये वैल्यू आ जाता है। तो ये इस फॉर्म में हम लोग डी फाई को लिख सकते हैं। ये हम लोग मैथमेटिकल से, अगर आप एम वन एम टू पढ़े होंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको मतलब बताई गई होंगी। तो अब यहाँ पर देखिए डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी एक्स। अब डी फाई बाई डी एक्स अगर आप पिछले वाले स्लाइड में देखेंगे तो ये किसके बराबर था, अगर हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को किसी भी एक्स किसी भी डायरेक्शन में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो उस डायरेक्शन में निगेटिव साइन के साथ वेलोसिटी देता है। तो अगर मैं फाई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हमें क्या देगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है, यू होता है विथ निगेटिव साइन, तो माइनस यू, मतलब डी फाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस यू होती है इंटू डी एक्स, और डी फाई बाई डी वाई क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी विथ नेगेटिव साइन, तो मतलब माइनस स्मॉल वी इंटू डी वाई। तो डी फाई अल्टीमेटली इक्वल टू क्या हो गया, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो यू डी एक्स प्लस वी डी वाई। अब हम लोग क्योंकि जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल फंक्शन के लिए जो डी फाई की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, तो यहाँ पे मैं जीरो पुट कर दूंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्विपोटेंशियल लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है, तो इक्विपोटेंशियल लाइन का इक्वेशन ये आ गया। अब अगर मान लीजिए इसका स्लोप निकालना हो कि इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप क्या होता है, तो किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे अगर आप एक दूसरे से रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस यू अपॉन वी। क्लियर है, तो ये हमारा ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल लाइन, में शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्वी पोटेंशियल लाइन का ये इक्वेशन हो गया और ये इक्वी पोटेंशियल लाइन का स्लोप हो गया। इक्वेशन क्या हो गया, यू डी एक्स प्लस वी डी वाई इक्वल टू जीरो, और स्लोप क्या हो गया, माइनस यू अपॉन वी। तो यहाँ तक हमारा ये इक्विपोटेंशियल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है और उसका स्लोप क्या होता है वो हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं स्ट्रीम लाइन। तो देखिए इसके पहले भी हमने स्ट्रीम लाइन के बारे में पढ़ा है कि स्ट्रीम लाइन क्या बताता है, कि अगर कोई भी फ्लूड जो है वो फ्लो हो रहा था तो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ले और वहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो जो टेंजेंट होता है वही उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। और अगर हम स्ट्रीम फंक्शन के बारे में बात करें तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि वो लाइन जिसके वो मतलब कि वो लाइन जिसके अलोंग फाई की वैल्यू यानी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कांस्टेंट होता है उस लाइन को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल लाइन। वैसे ही स्ट्रीम फंक्शन के टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं कि वो लाइन जिसके अलोंग हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन जिसको कि हम लोग साई से डिनोट करते हैं वो अगर कांस्टेंट होता है तो उस पर्टिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन। तो मतलब आप एग्जाम में अगर आए तो ये दोनों डेफिनेशन आप पुटअप कर सकते हैं, एक तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ले और वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताता है और वही हमारा क्या होता है, उसके टेंजेंट स्ट्रीम लाइन होता है। या दूसरा आप डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि अ लाइन अलॉन्ग विच स्ट्रीम फंक्शन जिसको कि साई से डिनोट करते हैं अगर वो कॉन्स्टेंट हो तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रीम लाइन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, इक्विपोटेंशियल लाइन के केस में वेलोसिटी पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है और स्ट्रीम लाइन के केस में हमारा स्ट्रीम फंक्शन कॉन्स्टेंट होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं कि साई इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो डी साई की वैल्यू कितना हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। और अगर हम साई को टू डायमेंशनल और स्टडी फ्लो के लिए लिखे तो वो किसका फंक्शन हो जाएगा, एक्स और वाई, क्योंकि टू डायमेंशनल है और वाई है नहीं तो वो जीरो हो जाएगा और स्टडी फ्लो है तो टाइम भी नहीं आएगा। तो जैसे इसको हमने डी फाई लिखा है वैसे ही डी साई को हम लिख सकते हैं कि डी साई इक्वल टू डी करली साई अपॉन डी डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली साई
डी वाई इंटू डी वाई ये लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आपको स्ट्रीम फंक्शन का देन याद होगा, तो अगर हम किसी भी स्ट्रीम फंक्शन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या बताता था, उसके 90 डिग्री पर उसके राइट एंगल के वेलोसिटी को बताता है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का बताएगा। तो मान ली डी साई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हमारा वी के बराबर हो जाएगा, वी इंटू डी एक्स प्लस वाई डायरेक्शन में अगर हम करेंगे तो वो उसके राइट एंगल इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा यू विथ निगेटिव साइन, तो माइनस यू हम लिख लेंगे, किसकी वैल्यू डी साई बाई डी वाई की वैल्यू। अब यहाँ पे फिर क्योंकि हम लोग जानते हैं स्ट्रीम लाइन के लिए डी साई की वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। और मैथमेटिक्स में आप जानते होंगे कि जब किसी भी इक्वेशन मिल जाता है किसी भी लाइन का तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो मतलब कि वी डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इस साइड ले जाएंगे तो यू डी एक्स और वहां से रीअरेंज करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल वी अपॉन यू के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इसके लिए इक्विपोटेंशियल लाइन का इक्वेशन भी हमने डिराइव कर लिया, उसका स्लोप भी डिराइव कर लिया, स्ट्रीम लाइन का भी इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया और उसका स्लोप भी डिराइव कर लिया। अब दोनों में अगर हम लोग एक रिलेशन देखते हैं तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो दोनों का स्लोप होता है, स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन, दोनों माइनस वन के बराबर होता है। कैसे? जैसे इसका देखिए क्या है, इसका इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप हमारा कितना है, मैं यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे नोट मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप हमारा क्या मिला है, माइनस यू अपॉन वी, और स्ट्रीम लाइन का स्लोप हमें क्या मिला है, वी अपॉन यू। तो आप अब जिसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आ जा रहा है, माइनस वन के बराबर आ रहा है। अब देन अगेन मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि अगर दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पर तो दोनों का जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस वन के बराबर होता है। ये 11th में आप लोग पढ़े होंगे, या फिर अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो जो M1 जो फर्स्ट होगा आपका सेमेस्टर उसमें आप पढ़े होंगे, या अगर नहीं पढ़े हैं तो याद रख लीजिए कि अगर दो लाइन एक दूसरे को या दो लाइन के स्लोप का अगर हम प्रोडक्ट माइनस वन मिलता है तो इसका मतलब जो दोनों लाइन है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कंक्लूड करेंगे कि दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो माइनस वन आया। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बोथ लाइन, कौन कौन से बोथ लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन, बोथ आर एट ऑर्थोगोनल एट ऑल द पॉइंट। मतलब इक्विपोटेंशियल लाइन अगर आपको पता होगा तो उसके जस्ट 90 डिग्री पे हमारा स्ट्रीम लाइन होगा, या अगर हमें स्ट्रीम लाइन पता होगा तो हम उसके जस्ट 90 डिग्री पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल लाइन क्या है। मतलब दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे क्रॉस करेंगे हर एक पॉइंट। मान लीजिए ये एक पॉइंट है तो अगर ये एक्स डायरेक्शन में है तो ये वाई डायरेक्शन में, अगर ये स्ट्रीम लाइन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल लाइन हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग एक चीज और देखेंगे, फ्लो नेट के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लो नेट क्या होता है, फ्लो नेट एक ग्रिड होता है। किसका ग्रिड होता है, जब हम इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन को अगर हम 2D में अगर ड्रॉ करते हैं तो ये जो एक ग्रिड मिलता है इस ग्रिड को ही क्या बोलते हैं, फ्लो नेट। क्या होता है नेट, आप लोग देखे होंगे ना कि एक ग्रिड के फॉर्म में होता है। तो जब हम इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन को ड्रॉ करते हैं 2D में तो जो हमें एक ग्रिड के फॉर्म में मिलता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो नेट बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे फ्लो नेट क्या होता है, इसका डेफिनेशन और इसका क्या यूजेज है। तो अभी के स्लाइड में होप आपको दोनों जो फंक्शन है, दोनों जो लाइन है वो क्लियर हो गया होगा। इक्विपोटेंशियल लाइन, स्ट्रीम लाइन, दोनों को एक साथ रिलेट करिए। इक्विपोटेंशियल लाइन क्या हो जाएगा कि जहां पे हमारा जो है वो वेलोसिटी पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जबकि स्ट्रीम लाइन में क्या हो जाएगा कि जहां पे हमारा स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट होगा उसको ऐसे भी रिलेट करें। देखिए इसमें क्या आ रहा है, पोटेंशियल वर्ड आ रहा है, यहां भी पोटेंशियल वर्ड है, मतलब इक्विपोटेंशियल लाइन में वेलोसिटी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। यहां पे क्या है, स्ट्रीम लाइन और स्ट्रीम फंक्शन, मतलब कि स्ट्रीम फंक्शन साइज जो है वो कांस्टेंट होना है। ऐसे भी आप याद करने के लिए रिलेट कर सकते हैं।
देन यहाँ पे जो भी प्रोसीजर है वो हमने देखा, लास्ट में हमारा इक्वेशन मिला इक्विपोटेंशियल लाइन का और स्लोप मिला, यहाँ भी हमारा इक्वेशन मिला स्ट्रीम लाइन का और स्ट्रीम लाइन का स्लोप मिला। देन हमने ये देखा कि अगर दो लाइन का स्लोप का जो अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे और अगर वो -1 आ जाता है तो इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इससे हमें ये प्रूफ होता है कि इक्विपोटेंशियल लाइन और हमारा स्ट्रीम लाइन दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, मतलब 90 डिग्री पर होते हैं। और जब हम लोग बहुत अलग अलग पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल लाइन एज वेल एज स्ट्रीम लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमें एक नेट मिलता है, एक ग्रिड मिलता है, उस ग्रिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो नेट बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग फ्लो नेट को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन कंप्लीट होता है। सो हम लोग एक लास्ट, आज के क्लास का एक लास्ट टॉपिक है वो है फ्लो नेट। तो फ्लो नेट के बारे में देख लेते हैं, देन उसके यूजेस के बारे में। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने एक थोड़ा सा डिस्कस भी किया है फ्लो नेट के बारे में कि जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या बता रहा है, ये कांस्टेंट लाइन बता रहा है, ये जो है हमारा कांस्टेंट लाइन है, सॉरी स्ट्रीम फंक्शन जो है वहाँ पे ये कांस्टेंट है। तो अगर जहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन हमारा कांस्टेंट होता है तो वो पर्टिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। और जहाँ पे हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विपोटेंशियल लाइन। और पिछले क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे दोनों का स्लोप जो होता है वो -1 के बराबर होता है, इसका मतलब ये दोनों लाइन हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल रहेगा, मतलब 90 डिग्री पे रहेगा। ये भी हमने देखा है, इस तरीके से हमने देखा ये जो पॉइंट हर एक पॉइंट पे ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री पर रहेंगे, क्लियर है। तो ये हमने पिछले क्लास में देख लिया है। तो ये फ्लो नेट क्या होता है, तो फ्लो नेट भी क्या होता है कि जब हम सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एज वेल एज सीरीज ऑफ स्ट्रीम लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर हमें एक ग्रिड पैटर्न मिलेगा, इसी ग्रिड पैटर्न को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लो नेट। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, अ ग्रिड ऑब्टेन बाय ड्रॉइंग अ सीरीज ऑफ स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन इज नोन एज फ्लो नेट। स्ट्रीम लाइन, ये स्ट्रीम लाइन को शो कर रहा है, क्लियर है, ये स्ट्रीम लाइन 1, 2, 3, 4, इसके जस्ट 90 डिग्री पर हमें क्या बता रहा है, इक्विपोटेंशियल लाइन। तो अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें ये दोनों लाइन को तो हमें क्या मिल रहा है, एक ग्रिड बन रहा है, इसी ग्रिड को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो नेट बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो फ्लो नेट हमारा क्या हो गया, अ ग्रिड ऑब्टेन बाय ड्रॉइंग अ सीरीज ऑफ स्ट्रीम लाइन एज वेल एज इक्विपोटेंशियल लाइन इज नोन एज फ्लो नेट, क्लियर है। तो अब हम लोग इसका यूजेस देखते हैं कि फ्लो नेट का क्या यूज है। तो सबसे पहले अगर हम फ्लो नेट का यूज करें तो यहाँ पे देखिए फ्लो नेट के हेल्प से हम लोग क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, इनके बीच में गैप कितना है। तो इनके बीच में कितना गैप है अगर हमें ये पता चलेगा तो, और साई वन इक्वल टू सी वन साई टू इक्वल टू सी टू, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, जो एक इक्वेशन होता है ना, साई इक्वल टू हमारा जो साई वन के लिए हमारा ये है, ये साई वन टू के लिए है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक स्लोप मिला था, तो स्लोप मतलब dy बाई dx हमारा मिल गया है। और साथ में हमें ये भी पता होता है कि जो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन था क्या था, du अपॉन dx प्लस dy अपॉन dv अपॉन dy, ये हमें पता था इक्वल टू जीरो। तो एक इक्वेशन तो हमें साई वन से मिल जाएगा और दूसरा हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन मिल जाएगा। तो इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम प्रैक्टिकली अगर देखा जाए इसका यूजेज, तो अगर हमें फ्लो नेट पता होगा तो इन दोनों के बीच का हमें गैप पता है, गैप पता है तो साई वन और साई टू को अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो साई इक्वल टू हमारा क्या होता था, माइनस डी, अगर यू का बात करें तो हमारा यू क्या होता है, डी साई बाई डी वाई के बराबर होता है। तो देखिए एक इक्वेशन ये मेरे हमारा मिल गया और साई हमको मान लीजिए पता है और दूसरा इक्वेशन ये है,
तो ये दो, और एक और हमारा इक्वेशन क्या पता है, v इक्वल टू माइनस डी साई बाई डी एक्स। तो इन तीनों चारों जो भी जितने भी नंबर ऑफ इक्वेशन हैं, इनका यूज, इनका हेल्प से यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो होप आपको पहला यूजेज पता चल गया कि क्या याद रखना है, कि अगर हमें फ्लो नेट पता है तो दोनों के दो स्ट्रीम लाइन के बीच का हमको गैप पता चल जाएगा, और बाई अप्लाइंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन, वहाँ से अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन एज वेल एज अगर हमें गैप पता है, तो दोनों के हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो पहला चीज़ आप लोग ये याद रख लीजिए कि इसका यूजेज क्या है फ्लो नेट का, कि किसी भी पॉइंट पर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड द गैप बिटवीन द टू स्ट्रीम लाइन। तो पहला यूजेज क्लियर हो गया। अब दूसरा यूजेस देख लीजिए, दूसरा यूजेस क्या बोल रहा है कि इट असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द बाउंड्री शेप फॉर विच द फ्लो डज नॉट सेपरेट फ्रॉम द बाउंड्री सरफेस। देखिए इसमें अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तरीके से एक क्या है, कन्वर्जिंग नोजल है। कन्वर्जिंग नोजल है मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो डिक्रीज होते जा रहा है मतलब वैसे वैसे हमारा वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। एरिया कम हुआ मतलब हमारा वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे तो हमारे इस पाइप में इजिली हमारा जो वाटर है वो आराम से फ्लो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसके लिए हमने स्ट्रीम लाइन ड्रॉ किया। तो आप देख रहे हैं कि इसके जो बाउंड्री फिनोमिना, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री से हमारा ग्रिड पैटर्न मतलब पूरी तरीके से एडजस्ट है इस पर्टिकुलर डायग्राम में। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा जो फ्लो है वो इजीली इस पर्टिकुलर से हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेकेंड केस देखें कि पहले वो कन्वर्जिंग है और फिर बाद में डाइवर्जिंग है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे वेलोसिटी तो फ्लो हो रहा है लेकिन आगे जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कॉर्नर वाला एरिया है, क्योंकि देखिए आगे जाएंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गया। तो जब बड़े बड़े पाइप रहते हैं और उसमें इस तरीके का जो डाइवर्जिंग टाइप का सेक्शन रहता है, तो आप देखेंगे कि कुछ देर तक पाइप में पानी जाता है और उसके बाद वो आगे मतलब अगर आप एंट्री लेवल पर देखेंगे तो वहाँ पर आपको आउटपुट मिलता ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं पानी का बैक फ्लो स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सफिशियंट वेलोसिटी नहीं रह पाता है उसको लास्ट एंड तक पहुंचने के लिए। क्लियर है? तो इसका मतलब उस केस में जो हमारा फ्लो पैटर्न है, देखिए यहां पे क्या होता है, एडी, क्योंकि प्रेशर यहां पे ज्यादा हो जाता है, वेलोसिटी कम हो जाता है। तो वेलोसिटी जब कम हो जाता है और प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो ये जो फ्लो है वो एडी करंट फॉर्म होने लगता है। क्लियर है? एडी करंट मतलब भंवर धाराएं यहीं पे फॉर्म होने लगती है और यहीं पे गोल 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 घूमने लगती है, मतलब जो भी एनर्जी फ्लो होने के लिए बचा हुआ है वो यहीं पे एनर्जी यहाँ पे गोल गोल एडी करंट के फॉर्म में यहीं पे होते रहती है, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि आगे जो एनर्जी जो है वह आगे इसको फ्लो होने के बजाय वो एडी करंट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो जब लॉस हो जाती है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहाँ बाउंड्री से सेपरेशन स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हमें फ्लो नेट अगर हम लोग बनाते हैं किसी भी पाइप के लिए, और अगर हम फ्लो नेट जब कंप्यूटर में एक्चुअली ये बनाया जाता है बड़े बड़े एनालिटिकल मेथड इक्वेशन को यूज करके, तो जब किसी पाइप के लिए हमें पता चल जाए कि फ्लो नेट इसके बाउंड्री को टच नहीं कर रहा है, तो मतलब हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर वो सेपरेशन स्टार्ट होगा। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कन्वर्जिंग वाले को या तो और थोड़ा कम करना पड़ेगा या फिर इसके वाला थोड़ा डायमीटर को इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब किसी तरीके से एडजस्ट करेंगे कि कम से कम ये जो लाइन है वो एक इससे सेपरेट मत हो या एडी करंट मिनिमम से मिनिमम फॉर्म हो। तो हम लोग कंप्यूटर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब एडी करंट हर एक पाइप के लिए या बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं उसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं और उसके हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या सेपरेशन पॉसिबल है या नहीं है। और अगर सेपरेशन पॉसिबल है मतलब हमारा वो पाइप काम नहीं करने वाला है, तो हमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमने अभी क्या देखा, फ्लो नेट के बारे में देखा, जो कि सीरीज ऑफ क्या होता है, हमारा इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन का एक ग्रिड होता है। क्लियर है? और दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, मतलब 90 डिग्री पर होते हैं। फिर अगर हम इसका यूजेस का बात करें इस फ्लो नेट का, तो अगर हमें फ्लो नेट पता होगा तो स्ट्रीम फंक्शन के बीच का गैप पता होगा, और विथ द हेल्प ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन और इस स्ट्रीम फंक्शन के बीच के गैप को यूज करके हम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, या एग्जाम में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि वंस द फ्लो नेट इज ड्रॉन
विथ द हेल्प ऑफ फ्लो नेट वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। अगर आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं याद हो रहा है तो आप बस याद रखिए कि फ्लो नेट के हेल्प से हम वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं कि एक बार अगर हमें फ्लो नेट पता है तो अलग अलग जो भी हमारा पाइप है उसके लिए हम फ्लो नेट ड्रॉ करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहीं फ्लो सेपरेशन तो नहीं हो रहा है, और अगर हम सेपरेशन हो रहा है तो अपने पाइप में हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये फ्लो नेट क्या हुआ और उसके यूजेस के बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट क्लास में जो हमारा क्लास रहेगा वो बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।